तो ऐसी बॉलीवुड फिल्म में काम करने का सपना देखती हैं काजल अग्रवाल। काजल अग्रवाल साउथ फिल्म इंडस्ट्री में जाना मानना है। साउथ फिल्मों में नाम कमाने के बाद उन्होंने बॉलीवुड के भी बड़े प्रोजेक्ट्स में काम किया है। काजल अग्रवाल के बोल्ड फोटोशूट सुर्खियों में रहते हैं। सोशल मीडिया पर उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग है। काजल अग्रवाल का जन्म 19 जून 1985 को मुंबई में हुआ था। उन्होंने साल 2004 में क्यों हो गया ना फिल्म से अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की थी। हिंदी भाषा में अच्छी पकड़ होने के बावजूद काजल अग्रवाल उन चुनिंदा अभिनेत्रियों में शामिल हैं जो साउथ में बड़ा नाम कमा चुकी हैं। वे साल 2011 में अजय देवगन के अपोजिट सिंघम में और साल 2013 में अक्षय कुमार के अपोजिट नजर आई थी। काफी समय पहले काजल ने एक इंटरव्यू के दौरान बॉलीवुड में अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में बताया था। वे एक ऐसी हिंदी फिल्म में काम करना चाहती हैं जिसमें उनके साथ शाहरुख खान और सलमान खान लीड रोल में हों, आमिर खान गेस्ट रोल में हों, कटरीना और मलाइका के आइटम नंबर हों, यश चोपड़ा स्विट्जरलैंड में इसकी शूटिंग करें। इतना ही नहीं, फिल्म दिवाली पर रिलीज हो और कामयाबी के मामले में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के रिकॉर्ड तोड़ डाले। ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट काजल अग्रवाल ने अपने मन के अंदर संजोया है। काजल अग्रवाल कॉन्ट्रोवर्सी की चपेट में भी आ चुकी हैं। साल 2014 में काजल अग्रवाल के इफ एच एम मैगजीन के लिए टॉपलेस फोटोशूट करवाने और कवर गर्ल बनने को लेकर विवाद हुआ था, लेकिन इस बारे में काजल ने साफ कहा था कि उन्होंने कभी ऐसा फोटोशूट नहीं करवाया। उनकी तस्वीर के साथ छेड़छाड़ की गई है। काजल के बारे एक खास बात ये भी कही जाती है कि वह मूल रूप से हिंदी भाषी होने के बावजूद साउथ की सक्सेसफुल एक्ट्रेस हैं। साउथ फिल्मों के फैंस के बीच काजल की सुपरहिट तेलुगु फिल्म मधीरा काफी फेमस है। ये फिल्म साल 2009 में रिलीज हुई थी।